नमस्कार दोस्तों टीप इनसाइट्स में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए भेजने होते हैं ताकि हमारा रिम्बर्समेंट क्लेम पास हो सके रिम्बर्समेंट क्या होता है और उसका क्या कुछ प्रोसेस होता है इसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ आप वो वीडियो देख सकते हो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना डिस्कस करने वाला हूं कि रिम्बर्समेंट का जो फॉर्म भरते हैं उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सपोर्टिंग में लगाने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने होते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम का फॉर्म भरने की हमें जरूरत कब पड़ती है इसमें दो कंडीशन में पड़ती है एक तो अगर हमारा हॉस्पिटल जो है वो नॉन नेटवर्क है जिसमें हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो हॉस्पिटल हमारी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में नहीं है तो हमें उस केस में अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद हॉस्पिटल से बिल लेके और वो बिल रिम्बर्समेंट फॉर्म के साथ सपोर्टिंग में लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने होते हैं तब हमें वो रिम्बर्समेंट क्लेम मिलता है दूसरा क्या होता है अगर हम पैनल हॉस्पिटल में इम पैनल हॉस्पिटल में या नेटवर्किंग हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं कि हम आपको कैशलेस नहीं दे सकते आपका कैशलेस डिनाइल करते हैं और आप रिमबर्समेंट के थ्रू आइए वहाँ पे हम आपको ये क्लेम देंगे तो आपको उस टाइम भी एक रिमबर्समेंट का फॉर्म आता है वो फॉर्म भरना होता है और इंश्योरेंस कंपनी के पास वो फॉर्म भर के सपोर्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भेजने होते हैं तो उस टाइम हमें हॉस्पिटल से अपना हॉस्पिटल का फाइनल बिल डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट्स रिसिप्ट जो हमें पेमेंट करते हैं उनके रिसिप्ट जो है वो सभी हमें लेनी होती है और इंश्योरेंस कंपनी कई बार एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में आईसीपी मांग लेती है इंडोर केस पेपर वो भी हमें जब अगर इंश्योरेंस कंपनी मांगती है तो हमें प्रोवाइड करने होते हैं तो मैं सात पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड किसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है बिल और रिसिप्ट्स जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए एडमिट होते हैं तो हमें कैश में पेमेंट करनी होती है तो जो भी हम पेमेंट करते हैं तो हॉस्पिटल हमें एक रिसिप्ट देता है वो रिसिप्ट हमें बहुत संभाल के रखनी होती है जो जो हम पेमेंट करते हैं वो रिसिप्ट हमें मिलती रहती हैं और लास्ट में जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट तब एक फ़ाइनल बिल भी हमें मिलता है तो रिसिप्ट और फाइनल बिल हमें संभाल के रखना होता है और वो हमें फिर रंबर्समेंट के फॉर्म के साथ अटैच करके इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना होता है दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है सेकेंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो होता है प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन कुछ लोग ओ भी बोल देते हैं ओ स्लिप बोल देते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें डॉक्टर लिखता है कि ये पेशेंट इस हिस्ट्री से एडमिट हुआ है और यही हमने मेडिसिन इसको सजेस्ट किए तो वो एक बेस होता है किसी भी क्लेम को लेके उसको फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर भी बोलते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैशलेस क्लेम के अंदर भी और रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर भी तो ये भी हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास रिम्बर्समेंट फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना होता है तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है क्लेम फॉर्म क्लेम फॉर्म क्या होता है जब भी हम कोई का फॉर्म भरते हैं तो उसमें दो फॉर्म आते हैं रिम्बर्समेंट के क्लेम फॉर्म ए और एक बी वो हमें भरने होते हैं एक हॉस्पिटल से भरा जाता है और एक इंडिविजुअली खुद भरना पड़ता है जिसमें हमारी डिटेल होती है हमारी पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल होती है और दूसरे फॉर्म में हॉस्पिटल से रिलेटेड डिटेल होती है हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल होती है और डॉक्टर्स की उस पर स्टैंप वगैरह भी लगती है तो ये दो फॉर्म होते हैं ए और बी जो रिम्बर्समेंट के होते हैं वो हमें भर के भेजने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है वो के डॉक्यूमेंट्स है के डॉक्यूमेंट्स में हमें जैसे हमारी आईडी भेजनी होती है जैसे आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया या और कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे लाइसेंस हो गया उससे क्या होता है कि उससे हमारा वेरिफिकेशन बहुत आसानी से इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है और हमारा क्लेम फिर रिमबर्समेंट में आसानी से पास हो जाता है बग़ैर किसी क्वेरी के या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे बिना ही पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है बैंक डिटेल बैंक डिटेल इसलिए मांगते हैं ताकि हमारा क्लेम पास होने के बाद उनको पैसा जो है वो किस खाते में डालना है किस अकाउंट में डालना है तो उसके लिए उनको फॉर्म के अंदर भी एक डिटेल होती है जिसके अंदर हम अपना नाम डालते हैं बैंक का नाम डालते हैं ब्रांच का नाम डालते हैं ए कोड डालते हैं ये सब डिटेल हमें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके साथ में कैंसिल चेक भी लगाना होता है सपोर्टिंग में या पासबुक की कॉपी भी अटैच करनी होती है तो केवा डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिमबर्समेंट के फॉर्म के साथ हमें अटैच करना कंपलसरी होता है छठा जो डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स इतना कंपलसरी नहीं है बट ये लगा देने से आपको अपने क्लेम के अंदर प्रॉब्लम्स आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं वो होता है कवरिंग लेटर कवरिंग लेटर के अंदर हम उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड पेशेंट की डिटेल जो होती है सारा कुछ उसके ऊपर मेंशन करते हैं कि पेशेंट किस डेट को एडमिट हुआ है किस वजह से उसका आ, वो रिम्बर्समेंट कर रहा है तो उसमें बेसिक बेसिक मोटी मोटी चीज़ें सारी उस पर लिख देने से क्लेम को समझने में इंश्योरेंस कंपनी की जो टीम होती है उसको प्रॉब्लम नहीं होती है सातवा और जो लास्ट पॉइंट है वो है रिलीवेंट पोलिसी रिलीवेंट पॉलिसी मतलब पॉलिसी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है उसका हेल्थ कार्ड है या हेल्थ पॉलिसी है उसका भी डॉक्यूमेंट्स कॉपी या फोटो कापी उसके साथ अटैच करनी होती है ताकि इंश्योरेंस कंपनी उसको चेक कर सके समझ सके कि हमारे पास ही ये हमसे ये पॉलिसी परचेज की हुई है और हमारा ही ये कस्टमर है ताकि उनको फिर क्लेम uh, पास करने में या क्लेम को चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं और ये हमें अटैच करना बहुत ही कंपलसरी होता है तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सात डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है जो रिमबर्समेंट क्लेम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ध्यान से भेजे जाते हैं चेक करके भेजे जाते हैं सपोर्टिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं क्लेम फॉर्म के साथ में और ये बहुत ही कंपलसरी होते हैं इसके अलावा भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है अगर आपके कागज़ अधूरे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं तो उसमें आपको फिर वो बाद में प्रोवाइड करने पड़ते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है तो आप हॉस्पिटल में जाके वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो और इंडिविजअली आपसे आप आप लोगों से रिलेटेड होता है तो आप भी उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो कस्टमर केयर के थ्रू भी या ईमेल के थ्रू भी या कोरियर के थ्रू आप उस डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही है इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो भी सकते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों के मन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए मुझे मेल पे लिखिए मुझे व्हाट्सअप पे लिखिए मैं आप लोगों को आंसर करूँगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी सवाल आप लोगों के मन में है तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए व्हाट्सएप और यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी और मेल के थ्रू भी आप कर सकते हो तो तीनों फॉर्मेट में आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो मैं ज़रूर आंसर करूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार